हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड कृति है एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज मैं आपको एक नई जगह पे लेकर आई हूँ। आज हम आ रखे हैं बोहो बाजार, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पड़ता है। ऐसे तो इसका पूरे दिन का टाइमिंग रहता है। सुबह ये आई थिंक सुबह 12 बजे के करीब स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे तक रहता है। ये मार्केट जो है काइंड ऑफ अ फ्ली मार्केट है, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अलग अलग वेराइटी मिलती है काफ़ी सामान की। अगर इसकी आपको टिकट वगैरह लेनी है तो इनसाइडर एप्लीकेशन है, उस पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप पेटीएम के थ्रू भी बुक करते हैं। एंड ये 3 दिन का इवेंट है, 8, 9, 10 का। मतलब आज 9th ऑफ अप्रैल, तो आज हमारा 2nd डे है एंड कल इस इवेंट का लास्ट डे रहेगा। एंड 250 रुपीज़ के टिकट के चार्जेस रहते हैं। बाकी की अभी जो भी चीज़ें बची हैं कि क्या क्या अंदर एक्टिविटीज़ हैं या क्या है एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को अंदर जाकर सीधा दिखाऊंगी और बताऊँगी। तो अब हम मिलते हैं सीधा अंदर जाकर। फाइनली हमें काफ़ी मेहनत के बाद टिकट एंड एंट्री मिली है, क्योंकि एंट्री में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप किसी भी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं तो मेक श्योर 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें अपनी कार पार्क करने में ही। एंड जैसे कि अब आप देख रहे हैं, एंटर करते ही इतनी प्यारी डेकोरेशन, इतनी प्यारी, कम्प्लीटली बोहो थीम जिसे कहते हैं ना, पूरा उन्होंने, जैसे नाम है बोहो मार्केट, उसी तरीके का थीम को उन्होंने कंटिन्यू किया है। एंड सीरियसली आई लव दिस काइंड ऑफ डेकोरेशन। मेरे को घर में भी करना बहुत पसंद है। एंड सो बोहो, यहाँ पर मैंने स्पेशल खड़े होकर अपना आउटफिट ऑफ द डे आप लोगों को दिखाया है। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 2nd डे था, सैटरडे था, शायद इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ थी। आई वॉन्टेड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस मार्केट। मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के, बहुत सारे अंकल जैक्स जैसे हो गए, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे कपड़ों के भी। ब्रांड्स मीन्स इंस्टाग्राम काफ़ी स्टोर्स थे एंड काफ़ी ब्रांड ने भी अपने लगा रखे थे स्टॉल यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ द भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को पूरी मार्केट कवर करनी है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है खाने की और नई नई मार्केट ट्राई करनी है कि क्या क्या ऑप्शन है, तो आप लोगों को दिन में ही जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में थोड़ा इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता। हम पहुँचे थे 6:30, 7 बजे के करीब, तो इस वजह से इवनिंग क्राउड आप लोगों को जैसे पता है वो काफ़ी बढ़ ही जाता है। एंड इवनिंग में शोज़ भी थे। शोज़ तो मतलब लाइव म्यूज़िक तो पूरे टाइम था, लेकिन इवनिंग में नाइट क्राउड आ जाता है सारा, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी वहाँ पे। और हम खाने के किसी भी स्टॉल में जा रहे थे तो वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी पूछे थे वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, जैसे आप लोगों ने वो ईयरिंग्स देखे, कम्प्लीटली बोहो ईयरिंग्स सी ग्रीन कलर के वो लिए थे मैंने। एंड यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। होम स्वीट होम का ये यहाँ पे बैनर लिया। एंड बहुत गर्मी होने के वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहुत बड़ा सा कूलर लगा था, उसके आगे खड़ी होकर मज़े से हवा ले रही थी। वो टुक आवर लड्डू विद अस। उसको खाने के लिए और चीज़ें चाहिए थी, बर्गर चाहिए था, पिज़्ज़ा चाहिए था, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो उसकी फेवरेट एज ऑलवेज हमने फ्रेंच फ्राइज लिए थे। एंड ही इज़ शोइंग ऑफ हिज फ्रेंच फ्राइज बड़े ही क्यूटली। एंड वन मोर क्यूट थिंग, यहाँ पे ये जो आप 360 कैमरा देख रहे हैं, हमने यहाँ पर अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने हमें एक 100 रुपीज़ की एक वीडियो बना कर दी थी। मतलब दीदी ने बनवाई थी, मैंने बनवाई थी। आपने इसको नहीं देखना है और यहाँ पर देखना है, तो घूमना नहीं आता। आप ये नहीं रखना और इसको पानी कर देना। लेट्स गो। 360 वीडियो के हमसे उन्होंने चार्जेस लिए थे 100 रुपीज़ पर वीडियो के। एंड यहाँ पर मैं अपना थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ अपने पॉज देने के लिए वीडियो का। एक और हमने क्यूट थिंग करवाई थी जो कि था साइड टैटू। ये इसके हमसे उन्होंने चार्जेस लिए थे 350 रुपीज़। एंड नेल आर्ट अगर आपको करवाने हो उसके लिए भी ऑप्शन थे यहाँ पे। मतलब ये नेल की ही थी जो हमारा फेस पेंट कर रहे थे वो बेसिकली। एंड लड्डू बड़े ही क्यूटली अपने आप को मिरर में निहार रहा है कि ये मेरे फेस पे क्या लग गया है। लड्डू कैसा लग रहा है? वन मोर थिंग, प्लीज़ कैरी आउट कैश, कैश लेकर जाएं क्योंकि वहाँ पर नेट तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। आपका फ़ोन कम्प्लीटली बंद हो चुका था एक तरीके से, नेट वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहा था। एंड जिनके पास पेटीएम वगैरह या उन सब चीज़ों के भी ऑप्शन थे, उनके पास भी वो मशीनें वगैरह नहीं चल रही थी बिकॉज ऑब्वियसली नेट नहीं था तो कुछ नहीं चल रहा था उस पर। तो मेक श्योर टू कैरी योर कैश। हमने भी बनवाया, वाव यार, लड्डू। हाँ, शो मी योर टैटू, टैटू दिखाओ, टैटू टैटू दिखाओ, अपना टैटू दिखाओ, टैटू दिखाओ, टैटू। ये everybody make some noise. बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए। I can hear you. See, I'm going on and on as a turnover. I'm making some noise at the party tonight. Yo, Jawahar mein Dasdita ji, they're really happening if you ask me to say. फिर तीसरा कमरे से भागा। The big one, the final one coming up. Are you ready for some Punjabi? I got you. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।